पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इससे पहले लेकिन बता दें, यूपी उपचुनाव की मतगणना के बीच निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अवनीश कुमार ने, सुनाते हैं आपको। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है, उसका मतगणना शुरू हो चुका है। हमारे साथ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला हैं, उनसे हम जानेंगे। सर, आज मतगणना शुरू हो चुका है, क्या कुछ तैयारी थी आप लोगों की और किस तरीके से मतगणना जारी है? जो उपचुनाव के 7 सीटों के लिए आज मतगणना सुबह 8 बजे से माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में और COVID-19 को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण रूप से सुरक्षित भी सुचारू रूप से संपन्न हो चुकी है और चल रही है। तो कैसे मतगणना हो रही है सर? COVID-19 का पालन कराया जा रहा है, कितने कितने टेबल लगाए गए हैं? इसमें जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग के आदेश हैं कि एक हॉल में अधिकतम 7 टेबलें लगाई जा सकती हैं, परंतु माननीय भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों क्रम में और उनके अप्रूवल से अलग अलग जगह कहीं 2 हॉल में भी हो रही हैं, कहीं 3 हॉल में भी हो रही हैं। सभी विधानसभा सीटों पर एक एक प्रेक्षक भी तैनात किए गए हैं, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके से मॉनिटरिंग पूरी वो कर रहे हैं? नहीं, माननीय प्रेक्षक महोदयों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ही निर्देश दिए जाते हैं, वो पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखते हैं। और जो हमारे RO है और जिला निर्वाचन अधिकारी है, वो सब भी इस पर पूरी निगरानी रख रहे हैं ताकि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित हो सके। सर, एक अहम सवाल है कि जब कोई जीत होती है किसी भी उम्मीदवार की, उसके बाद विजय जुलूस निकालने की एक प्रक्रिया होती है जिस पे रोक लगी रही है, पिछले चुनाव में भी देखने को मिला है, तो क्या इस चुनाव में कोई गाइडलाइन तैयार की गई? हाँ बिल्कुल, इस पे विजय जुलूसों वगैरह पे प्रतिबंध किया गया है, उसका भी पालन कराया है। तो कुल मिलाकर अजय कुमार शुक्ला हमारे साथ हैं और उन्होंने साफ साफ बताया है कि मतगणना की पूरी तैयारी थी और मतगणना शुरू भी है, और जब भी कोई उम्मीदवार जीतेगा तो उसको विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी, भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, COVID-19 का पूरा पालन करवाया जा रहा है। कैमरामैन अखिलेश के साथ अवनीश कुमार, लाइव टुडे, लखनऊ।